सबा का मेरे सा मिस्ट्री रहने देना मिस्ट्री को। गुड क्वेश्चन। Yeah, it's tough. It's very, very tough. What I do, I go on vacation, I travel. Shopping therapy works for me. That's how I disconnect with the character. मुश्किल होता है लेकिन बागी का character वाकई बहुत ऐसा था कि it took the whole year 2018. That's why I didn't do anything after bagging. That was quite tough, yeah. Anywhere. Turkey. Last time I went to Turkey, Istanbul, I loved it. They're very beautiful. I've been to London, I've been to Turkey, I've been to Thailand, Kosomoy, Phuket, everywhere. Tbilisi, Georgia. But this time around, I want to go Kuala Lumpur. Maybe. I'm not sure. Kiran, my best friend, and sometimes alone. मैं बहुत दफा अकेली गई हूँ. मतलब नहीं, फ्रेंड ने कहा ना कि यार मेरी शूटिंग है, डेट्स के प्रॉब्लम है. मैं कहा ओके, टिकट कराई निकल गई. अम्मी मेरी कभी कभी क्या कैसे करती है कि नीचे मम्मी का कमरा है, ऊपर मेरा कमरा है, तो मैं बैग्स लेके नीचे आई. किधर? लंदन जा रही हूँ. जी लंदन जा रही हूँ. व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर? मैंने थोड़े अर्सा पहले सोचा और मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से कहा, वीज़ा था मेरे पास, टिकट कराई और जा रही हूँ. इट्स नॉट अ बिग डील. अम्मी देखती रह जाती कि लड़की मतलब ठीक है, नॉर्मल है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है. तो मैं ऐसी हूँ, अनप्रिडिक्टेबल. सबक हमारे सब मिस्ट्री. रहने देना मिस्ट्री को. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. थैंक यू. यस, आई एम इन लव. आई एम इन लव विद माई पेट्स बिकॉज आई बिलीव एंड आई थिंक लव शुड बी अनकंडीशनल एंड देयर लव इज अनकंडीशनल 100%. टू मी, फॉर मी, प्यार जिससे भी हो उसमें मतलब नहीं होना चाहिए, बिना मतलब के होना चाहिए कोई भी रिश्ता. बट अनफॉर्चुनेटली नो, डोंट थिंक नेगेटिव, सब स्टे पॉजिटिव. नेवर से नेवर. या टिल डेट? यस. I can connect that character as Saba Kamar Besharam. That was a model character. Maybe you haven't seen that project. It was. Oh, that's my favorite. Oh, that's your favorite. Yeah, you've seen, yeah. Zahid Ahmedwala, yeah. So, wo character. Agar koi mujhe janna chahta hai personally, to Saba waisi hai. Besharam ki Michelle. No, I don't have any regrets. You know why? Because I've learned a lot from my mistakes. No baggage, no regrets. Yeah. वो तो आपके उस्ताद हैं ना जिन्होंने आपको सिखा दिया. तो फिर वो गिला शिकवा क्यों? Yeah. Loss of privacy. Yeah. We can't say no to anyone. People get offended if we say no to a picture. You know what happened? Recently I was coming from Karachi to Lahore and I was on flight. Bahut thaki hui thi, I was so tired. Par so gayi badi aaram se, comfortable hoke upar blanket leke. So jab meri aankh khuli, aisa aise kuch mera baazu tha, to meri aankh khulke dekha to yahan jo saab baithe hue the, मोबाइल नहीं यूँ लेके गया. पता चल जाता ना जब आपका कोई वीडियो बना रहा होता है, तो उनका मोबाइल यूँ था.
तो मैं ऐसे नींद वाली आँखों से नहीं देखा, कब यार ये कैमरा कब हमारी जान छोड़ेगा. तो फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने कहा ही वॉज मेकिंग माई वीडियो, इन्हें कहिए कि साहब आपने मेरे से सेल्फी बनानी, बना लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए. तो उन्होंने भी बड़ी ही वॉज अ जेंटलमैन, तो उन्होंने कहा कि हाँ सॉरी मैंने बनाई थी, मैं डिलीट कर दी. मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज आई एंजॉय लोगों का प्यार और उनका आकर कहना है वार्मली मेरे साथ पिक्चर बना रहे हैं. तो मैं नहीं हूँ जो इससे हो जाऊँ कि ओ नहीं मुझे नहीं करना, नहीं, आई लाइक इट. माई फादर, आई मिस हिम. I was very young when he passed away, so yeah. Sometimes I imagine ki choti si ladki bachpan ki yaad, papa ki ungli pakdi hui hai aur aise ja rahi hu. Next question. I would say work hard, face your fears. Don't judge others. Don't judge. And believe in yourself and you'll be unstoppable. I don't give a shit. Honestly, I don't give a shit. What do people think about me? What do people say about me? I do whatever I like. मुझे कोई परवाह नहीं होती, अब नहीं होती. पहले शायद मैं बहुत रोती थी, अब नहीं होती. क्योंकि गाली और गंदी बात एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं देता. मैं लोगों को उनके कमेंट से जज करती हूँ, अदरवाइज मैं जज नहीं करती किसी को. तो पढ़ा लिखा इंसान कभी भी गंदी बात नहीं करेगा, गलत बात नहीं करेगा, ये वही है. तो उस लेवल पे अपने आप को कभी नहीं लेकर आओ, वो स्टैंडर्ड नहीं है हमारा. सो जस्ट इग्नोर देम. मुझे वो बेचारे लगते हैं जो जो कौम या जो लोग शक्लों पे बात करें, अल्लाह माफ़ करें, क्या आप उस इंसान को कुछ नहीं कह रहे, आप डायरेक्ट उसकी क्रिएशन के ऊपर अटैक कर रहे हो. तो मैं तो यहीं से अगले के बारे में सोचती हूँ कि ये कहाँ से आया, ये कौन है और ये कितना पढ़ा लिखा है. अच्छा, एक होता है एजुकेशन, नहीं है ना, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं कोई उन्हें फैंसी स्कूल में भेज सका. लेकिन एक चीज़ होती है अवेयरनेस, जब ये दोनों नहीं ना होती तो फिर बड़ा काम खराब. So, वो जो खराब काम है ना, I just avoid. So you have a no bullshit policy. I block them. Report and block. There's a button, block. Block. मैं इंतजार करती हूँ कि कोई गलत कमेंट करे, मैं उसको ब्लॉक करूँ. क्योंकि मुझे अपना फैन क्लब, जो मेरी व्यूअरशिप और मेरे फॉलोअर्स हैं, वो बहुत नीट एंड क्लीन एंड तमीज़दार लोग चाहिए. पॉजिटिव. मेरे काम पे मुझे क्रिटिसाइज करें, आई डोंट माइंड कि अच्छा मैंने यहाँ ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया. बट यू कांट से ओ इसकी शक्ल देखो, ओ ये देखो, दैट्स रॉन्ग. अनफेयर. आई डिडंट कनेक्ट विद दोज रोल्स, दैट्स व्हाई आई डिनाइड. हाँ, क्योंकि मुझे नहीं करना वो एक जैसा काम. प्यारी बेटी अभी भी, सॉरी आई लव दिस वर्ड. मैं देख रही थी कि मैंने रिसेंटली टीवी नहीं देखा, लाइक टीवी ड्रामास नहीं देखे, टीवी नेटफ्लिक्स तो देखती हूँ, बाकी चीज़ें देखती हूँ. तो हर कोई ना ऐसे कलर में दुपट्टा एंड प्रॉपर शलवार कमीज, और मैं प्यारी बेटी हूँ, प्यारी बेटी नहीं बनना चाहती. क्योंकि हम रियल लाइफ में ऐसे नहीं हैं, वी कांट डू दिस, वी कांट यू नो लाइक सुबह उठ के ऐसे ब्लो ड्राई करके हमने सीधे बाल किए और हम खाना पका रहे हैं और प्यार से बात नहीं. कभी आपका मूड अच्छा नहीं होता, कभी आप रफ़ होते हो, आपने कैचर बांधा लाइक यू किया और पजामास पहने, टी शर्ट पहनी है. तो मैंने वही जो क्लास मेरे कैरेक्टर की दिखाई थी चीख में, मैंने वो रखी. उसमें रहते हुए मेरे आसपास जितने लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, किसी की बहू है, कोई बेटी है डिफेंस में, तो वो क्या पहनती हैं, वो क्या करती हैं, उनका रात के कपड़े कौन से होते हैं, ड्रेसेस क्या होते हैं, वो खाती क्या है, वो कैसे बात करती हैं, डे में कैसे पार्टीज़ में कैसे जाती हैं, फ्रेंड्स के साथ जब हैंग आउट करते हो तब आप क्या पहनते हो, शॉपिंग के लिए कैसे तैयार होकर जाते हो. इन छोटी छोटी चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है, वो मैंने ये सब किया है. आपको कहीं
मेरे गले में, हाँ कहीं दुपट्टा भी पहना, लाइक मैं नमाज पढ़ती हूँ, मतलब मुझे ये इसलिए नहीं किसी को बताना कि मैं उनकी हमदर्दी हासिल करना चाह रही हूँ या उनको लगे कि ओ आई एम अ वेरी यू नो शरीफ बच्चा, वो तो मैं हूँ वैसे और बात है, लेकिन मैं सब करती हूँ, मैं नाचती भी हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं टी वी ड्रामाज भी करती हूँ, अगर आपने मुझे इन चीज़ों से जज करना है तो प्लीज़ आप कीजिए। तो हम सब लाइफ में जब करते हैं तो हम टीवी पे वो क्यों नहीं दिखाते जो हम होते हैं एक्चुअली, तो मुझे बहुत रियलिटी के करीब रहकर उस कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टर को करना था, मैंने कोशिश की है उसको डिफरेंट करने की, लेट्स सी हम लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। ओके आई एम प्लेइंग मन्नत्स कैरेक्टर। मन्नत इज स्ट्रॉन्ग, शी इज वाइब्रेंट, एंथुसियास्टिक एंड समवन who stands up for against injustice, जो हक के लिए लड़ेगी, जो गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कुछ भी गलत काम, और वो दूसरों को भी कहती है कि जब मुझे नज़र आ रहा था तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा। जैसे मैं भी लाइव कॉल पर बता रही थी कि मेरे कैरेक्टर, मेरी माँ का कैरेक्टर उसमें करी है गुलाबा गुलराना, तो मुझे कहती है कि बेटा तू अपने घर में ठीक है, तुझे क्या परवाह है कि एक्स वाई जी के साथ ये हो रहा है, तो तू उसके लिए क्यों फाइट कर रही है। सो मैं कहती हूँ नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मेरी लाइफ का हिस्सा थी, चाहे वो दोस्त है, बहन है, रिश्तेदार है, नेबर है, कोई भी है, वो हमारी लाइफ का हिस्सा है, तो हम क्यों ना उनके बारे में सोचें, हम क्यों अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। सो चीख में बहुत कुछ है, बहुत से पॉइंट्स हैं, लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि शायद ये इट्स नॉट अ लव स्टोरी, नॉट एट ऑल, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ना प्यार के अलावा भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, तो मुझे वो चीज़ें हाईलाइट करनी है, वो इश्यूज़ हाईलाइट करने हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, मे बी रेटिंग की वजह से, कि हमें एक प्यारी बेटी का या एक वो दो बहनें दो लड़के और उनकी बस उनका एक ट्राइंगल चल रहा है वो दिखाना, मुझे वो नहीं दिखाना। मे बी मुझे वो भी करना है, आई एंजॉय दोज कैरेक्टर्स, बट वो हो गया ना, एक दो ड्रामास कर लिए, जैसे बेशरम हो गया, मात हो गया, बट नाउ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो जब आप एक कर जाते हो फिर कुछ नया करना चाहिए ताकि देखने वाले भी इंजॉय करें, आप करना भी, आपको भी करते हुए मज़ा आए। सो चीख बहुत स्ट्रांग है, डाइजेस्ट हो जाएगा, अवेयरनेस है बाकी लोगों पर, वो किस तरह डिफरेंट लोग, पता हर एक की अपनी परसेप्शन होती है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, हर बंदा एक चीज़ को डिफरेंट अंदाज से सोचता है, उसका नज़रिया अलग होता है, तो उनमें से कुछ तो होंगे जिनको जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ वो समझ पाएंगे, और जिन्हें नहीं मिल पाएगा तो उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए एक और ड्रामा बनाऊँगी वेकअप कॉल के लिए, येस बट डू वॉच जी, आई वर्क सो हार्ड, बागी से भी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, येस मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट बागी था, बट नहीं, चीख उससे ज़्यादा मुश्किल है, एंड यू विल लव इट, बहुत से इवेंट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, एक्चुअली इतनी थिन लाइन है कि मैं कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, अगर बताऊँगी तो वो बहुत सी चीज़ें रिवील हो जाएंगी, सो दैट्स Hi, this is Sama Kama. If you like this video, please like, share, subscribe to Shosha. Lots of love.